अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास एट। ये क्लास एट के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 संज्ञा नाउन। नाउन के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम का जानने को हम लोग नाउन कहते हैं। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा भी हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ है हम लोग का, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से, जिस वर्ड से हम लोग को किसी इंसान का नाम के बारे में या किसी चीज या किसी लिविंग बींग या किसी स्थान, किसी जगह का या कोई फीलिंग्स के बारे में, नाम के बारे में पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन को कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किस चीज के अंतर्गत क्या आता है। व्यक्तिवाचक पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन को। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से, जिस वर्ड से किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी इंसान या प्राणी या वस्तु या स्थान की कोई विशेष पर्टिकुलर किसी चीज के नाम के बारे में बताता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी, ये एक इंसान का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। कुतुब मीनार, ये एक बिल्डिंग का नाम है तो एक व्यक्तिवाचक हो गया। इलाहाबाद स्थान का नाम है, जगह का नाम है। मुंबई जगह का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। रामायण एक पुस्तक का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। पंचतंत्र, ये भी एक पुस्तक के नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक इन शॉर्ट किसको बोलते हैं, जो किसी विशेष पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में, किसी के नाम के बारे में बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कॉमन नाउन को कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन जो नाउन वर्ड्स से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु, किसी लिविंग बींग या कोई जगह या कोई चीज का संपूर्ण जाति का, पूरा एक जाति के बारे में बताता हो उसका, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, गांव, जानवर, मनुष्य, नदी आदि। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पुस्तक के बारे में नहीं बताया है, कोई एक पर्टिकुलर गांव के बारे में नहीं बताया है, जानवर कोई एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में या कोई एक पर्टिकुलर मनुष्य या किसी पर्टिकुलर नदी के बारे में नहीं बताया है। यहाँ पे नदियां बहती हैं तो यहाँ पे बहुत सारी नदी बह सकती है। मनुष्य बहुत अच्छा है तो कोई भी मनुष्य हो सकता है, किसी के नाम के बारे में तो नहीं बताया है। तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो पूरा संपूर्ण जाति के बारे में बताता है वो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं, वो संज्ञा जिसमें हम लोग के फीलिंग्स के, हमारी भावनाओं को बताता है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में, जिन वर्ड्स में किसी व्यक्ति, प्राणी, किसी इंसान, किसी चीज, लिविंग बींग, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का गुण, अच्छा, बुरा, अवस्था, दशा आदि के बारे में, उसका अच्छाई, बुराई, उसकी अवस्था कैसी, उसकी दशा कैसी है, वो कैसा चीज है, उस बारे में बताता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली, जवानी, बाल, बल, अहिंसा, हर्ष, बचपन आदि। तो ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हरियाली, किसी जगह की हरियाली के बारे में बताता है, वो गांव की हरियाली बहुत, उस गांव में बहुत ज्यादा हरियाली है तो उस गांव की हरियाली के बारे में बता रहा है।
जवानी, किसी के जवानी कोई वो युवा बहुत जवान है तो उसकी जवानी के बारे में बता रहा है। बल, उसमें बहुत बल है तो उसमें शक्ति कितनी है वो बताता है। अहिंसा, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, बचपन आदि, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब क्या है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से, जिस संज्ञा वर्ड से किसी विशेष समूह का, जो पूरा एक झुंड का बारे में जिस बताता है या पूरा समुदाय के बारे में बताता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे झुंड के बारे में उसका जो बताता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में अब एक दो बच्चे तो पढ़ते नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है? तो ये पूरे झुंड के बारे में बता रहा है। भीड़, तो भीड़ मतलब क्राउड, क्राउड में तो एक दो आदमी होंगे नहीं, बहुत सारा लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो वो एक पूरा समूह के बारे में बता रहा है। झुंड, परिवार, ग्रह आदि, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, कोई चीज या कोई धातु के बारे में बताता हो उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन जिसको कहते हैं, अर्थात इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं जिस चीज को हम लोग नाप तोल सकते हैं उसे भी द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। है। अधिकतर बच्चे लोग को, छोटे बच्चे को हम लोग इस तरह से ही समझाते हैं, जिस चीज को हम लोग तोला जा सके, नापा जा सके उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दूध हम लोग नाप सकते हैं, तेल, अनाज, पीतल, कोयला, चावल आदि, ये सब सारी चीजें क्या है, हम लोग इसको नाप तोल सकते हैं तो इसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? संज्ञा बहुत ही इजी है और हम लोग अपने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, हम लोग बचपन से ही नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि किस नाउन से क्या क्या होता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं अभ्यास कार्य की ओर। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज है बुक में पेज नंबर 79 में दिया है, ये एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। जिन शब्दों से वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा खुद से। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर आप लोग क्लास में खुद से ही करते थे तो यहाँ पे भी आप लोग खुद से ही करेंगे, खुद से ये एक्सरसाइज आप लोग करके रखेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञा शब्दों से कीजिए। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ पे उसका कुछ वर्ड्स दिया हुआ है तो इसको किस तरह से करना, भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जरिए इसको भरना है। ठीक है, मैं एक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। डैश के कारण माता जी जल्दी सो गई, थकान थकावट, थकान थकावट के कारण माता जी जल्दी सो गई, काम की डैश में रूमीला घबरा गई, काम की अधिक अधिकता, अधिकता काम की अधिकता से रूमीला घबरा गई। तो इस तरह से आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है, ये बहुत ही इजी है। संज्ञा शब्द जो आप लोगों को सिर्फ इसमें से छांट कर लिखना है, जैसे मोहन ने कार खरीदी, यहाँ मोहन हो जाएगा संज्ञा और कार भी हो जाएगा संज्ञा। मोहन हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा और कार हो जाएगा क्या आपका, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये भी करना है। ये तीन एक्सरसाइज आप लोग करके रखेंगे, बाकी बहुत सारे एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है जो क्लास में ऑनलाइन जब क्लास आप लोगों को होगा तो टीचर उस वक्त करवाएंगे आप लोगों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।
चैप्टर 9 नाउन समझ में आया होगा आप लोगों का पूरा। और ये चैप्टर्स जिस का जो बाकी एक्सरसाइजेस है, ये 3 एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क है और बाकी एक्सरसाइज क्लास में मैम आप लोगों को करवाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।